पहले उधार पाए हुए नहीं थे, अब उनकी शादियां हो गई, अब उनमें से किसी एक का उद्धार हुआ, अब उस परिवार को कैसे चलना है कि दूसरे का उद्धार हो। हम करते क्या है, बेसिकली एक गलती कुछ जो समझदार है वो नहीं करते, पर ज्यादातर लोग ये करते हैं। मान लो पति का उद्धार हुआ या पत्नी का उद्धार हुआ, हम अपनी धार्मिकता स्थापित करने लगते हैं। हम खुद बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं वो, क्योंकि हमारा उद्धार हुआ तो होना क्या चाहिए था, हमें बाइबल पढ़नी चाहिए थी, हमें चर्च जाना चाहिए था। हम क्या मान लो पत्नी का उद्धार हुआ, खुद बाइबल ना पढ़े और पति से डांट, बाइबल ना पढ़ो, चलो चर्च चलो, चलो चर्च चलो, और वो बेचारे का उद्धार ही नहीं है, कम से कम तुम्हारा पति इतना अच्छा है कि तुम्हें चर्च जाने से नहीं रोक रहा है तो तुम चर्च जाओ। नहीं, वो पति को खींचने लगती, चलो चर्च चलो चर्च चलो, तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो, तुम चर्च आती रहो, नियम से बाइबल पे वचन पे चलती रहो, एक दिन उद्धार होगा तुम्हारे पति का, वो समय ठहराया हुआ है। पर पहले वो देखो, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जिनका उद्धार नहीं है, जो बाइबल नहीं जानते, उनके लिए तुम बाइबल हो, ये याद रखना। भले ही वो व्यक्ति बताए या ना बताए, तुम्हारा साथ रहने वाला व्यक्ति तुमको देखता है। अगर पति पहले के विचार में फंसा हुआ था, गलत काम करता था, उद्धार हो गया है, बपतिस्मा ले गया, चर्च आने लगा, वो वाइफ देखेगी मेरा पति कितना। एक बार हम किसी के घर में बैठे थे, वो भाई बोले मेरी पत्नी को बता, पत्नी को तो हमने पूछा तुम बाइबल पढ़ते हो, उनकी वाइफ उससे पहले उनकी वाइफ नामे से रहा रहे नहीं पढ़ते, हंस रहे कह रहे नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते। अब जब वो वाइफ देख रही है कि तुम भी बाइबल नहीं पढ़ते, तो उससे बोले चलो पहले पढ़ो, पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पास्टर के सामने हंस रहे सिर हिला रहे नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते। अब तुम तो किस मुंह से वाइफ से कहो भी बाइबल पढ़ो, जब वो तुमको रात दिन पढ़ते देखेगी, तब वो तुम्हारे बदले में नेचर को देखेगी कि हाँ, रिश्तेदारों के साथ बैठ के गप्पे हाँ के टाइम नहीं बर्बाद करो, प्रभु के लिए समय निकाल लो, कहीं छत का कोना ही मिल जाए वहीं बैठ जाते हो कि हाँ बस मैं अपने प्रभु के साथ समय बिताऊं, तब वो देखेगी कि अरे इसका नेचर चेंज हो रहा है, तब उसके जीवन में वचन काम करेगा, अदरवाइज तुम बोलता रहो, क्योंकि वो देखेगी ये व्यक्ति तो बदला नहीं। मेरी एक फ्रेंड है, उसका उद्धार हुआ, उसके बाद फिर उसके पति का मतलब जैसे तैसे गिरते पड़ते उद्धार हुआ, वो अपनी मम्मी को जब बताती थी तो उसके पति का नेचर नहीं बदला था, तो उसकी मम्मी ये कहती थी तुम्हारा हस्बैंड तो बदला नहीं, क्या है इशू में आके, वो जैसा पहले था वैसा ही, हमें जब शादी होकर आया था तब भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसे ही, तो कहती है मेरा हस्बैंड सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है मेरी मम्मी का उद्धार में। सही बात है, जिसका तुम क्लेम कर रहे हो उद्धार हो गया है, बपतिस्मा ले लिया है, चर्च जा रहा है, उस व्यक्ति का अगर नेचर नेचर तब बदलता है जब वचन पढ़ोगे, वचन तुमसे बात करता है, वचन आईना है। और शैतान की सबसे बड़ी चाल होती है कि वो तुमको बाइबल पढ़ने ना दे। हर दिन तुम देखना तुमको युद्ध करना पड़ता है, कि हमें और पास्टर को नहीं करना पड़ता, हमको भी युद्ध करना पड़ता है, बाइबल पढ़ने ना दे उसकी सबसे बड़ी, क्योंकि ये वसीयत है, ये पिता की वसीयत है जिसमें उसने हमारे लिए आशीषें रख छोड़ी हैं। आप ऐसा समझ लो कि वो एक ऐसा मुनीम है या एक ऐसा मैनेजर है प्रॉपर्टी का, कि बच्चा जब छोटा था तब पिता विल लिख के चला गया, और अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, अब जब तक वो उस विल को पढ़ेगा नहीं, वो ये कैसे जानेगा कि मैं ही मालिक हूँ। वो अभी भी उसी मैनेजर के अंडर में उसके हुक्म का पालन करते हुए चल रहा है, मैनेजर जैसे चाहता है, वो दुष्ट धूर्त मैनेजर जैसे चाहता है वैसे उस बच्चे को नचा रहा है, जबकि वो बालिक हो गया है, पर वो अभी भी मैनेजर अंकल की सुन रहा है, क्योंकि बचपन से उसने यही किया है, और उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे पिता ने मेरे लिए विल रखी है, एक वसीयत करके गया है मेरा पिता, ये आपके पिता के विल है। और यही उस मैनेजर दुष्ट की मैनेजर की ये चाल है कि आपको ये पढ़ने ना दे, क्योंकि जिस दिन ये पढ़ लोगे उस दिन जान लोगे कि पिता ने मेरे लिए मसीह यीशु में कैसी आशीष। और इसीलिए शैतान बाइबल पढ़ने के पीछे पड़ा रहता। क्या पौलुस जब कह रहा है कि मैं हर दिन अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उसको भी मेहनत करनी पड़ती थी, मन नहीं करता था बाइबल पढ़ने का। आपको क्या लगता है सबका मन करता है, लेकिन एक फैसला लिया है, उस फैसले पे बीमारी के बिस्तर से भी उठ के पढ़ना है, नहीं मुझे बाइबल पढ़नी है, नहीं मुझे समय निकाल के बाइबल पढ़, जब मैं पढ़ूंगा तभी तो जानूंगा कि मेरे लिए कैसी बड़ी आशीषें हैं इसमें और मुझे क्या क्या। क्योंकि जब बिल लिखता है कोई पिता या कोई भी व्यक्ति, तो वो उसमें कंडीशन में लिखता है, कंडीशन में लिखता है ना कि ऐसे ऐसे, आपने ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि वो अपनी इकलौती बेटी को बोला कि जब तुम शादी करोगे तब ये प्रॉपर्टी तुमको मिलेगी, ऐसी पिक्चरें भी बनी है ना, सीरियल भी आते थे कभी जब हम देखा करते थे बड़े मन से, कि वो कहते कि चलो तुम शादी कर, मेरे से शादी कर लो, कॉन्ट्रैक्ट मैनेज कर लो, तो मुझे मेरे पिता की विल मिल जाए। कंडीशन, यहाँ भी कंडीशन, इस विल में भी कंडीशन है, इस वसीयत नामे में कंडीशन है। तो जब पढ़ोगे तो तुम ये जानोगे कि तुमको आशीषा मिलने वाली है, और बहुतायत थोड़ी बहुत नहीं, उसने हमको काम चलाओ जीवन जीने के लिए नहीं चुना, उसने हमको बड़ी आशीषों का वारिस, राजाओं के राजा के हम संतान हैं, तो हम खुद भी तो राजा हैं, हम खुद भी तो रानी और राजकुमारियां हैं, राजकुमार हैं, और कंडीशन फॉलो करते चलो आशीषें तुमको मिलती जाएगी। लेकिन वो दुष्ट मैनेजर अंकल अभी भी तुमको अपने कब्जे में किए हुए, तुमको ये बिल पढ़ने नहीं देते। तो आज से एक फैसला लो कि उस दुष्ट मैनेजर अंकल की चाल नहीं चलने देंगे, हर हाल में दिन के 24 घंटे में
निकाल ही लेंगे, इकट्ठे मत निकालो, आधा घंटा सुना आधा शाम को निकाल लो। इसलिए मैं कहती हूँ बाइबल पढ़ो ताकि जान लो कि तुम्हारे लिए कितनी अच्छी आशीषें रखी हैं। और दूसरी चीज बाइबल में एक चीज लिखी है, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो अपनी धार्मिकता स्थापित करते हैं। बाइबल में एक बहुत अच्छा वचन है, कुलसियों की पत्री निकालिए उसका तीसरा चैप्टर, कुलसियों 3rd chapter वर्स 18-21। जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। सबके लिए कमांड है, पत्नियों के लिए है कि पति के अधीन रहो। आजकल जो दुनिया में चल रहा है कि नहीं नहीं सर हम बराबर होते हैं, हम बराबर होते हैं, बराबरी का दर्जा है। बहुत सी बेटियों की माओ ने आजकल ये अपने दिमाग में फितूर पाल लिया है कि नहीं मेरी बेटी क्यों खाना बनाएगी, तुम्हारे लड़के को खाना बनाना था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मैं कहती हूँ मैंने मेरे लड़के को सिखा दिया खाना बनाना, अब आपकी बेटी जाएगी किचन दोनों मिलकर। आजकल बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि नहीं नहीं वो कमा रही, वो किचन में नहीं जाएगी। बाइबल की ये शिक्षा नहीं है जो दुनिया की शिक्षा है। मैं पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, फिर पति के लिए भी कमांड है कि पति के अधीन रहो। कह दिया अगर बाइबल ने, इसका मतलब ये नहीं हो तुम्हारे पैर की जूती है, इसका यह मतलब नहीं है। कह रहा है अपनी पत्नी से क्या बोल रहा है, चल कह रहा है कि पत्नी से प्रेम रखो, पत्नी से प्रेम रखो। इफिसियों में लिखा है 5th chapter में कि जैसे अपने आप से प्रेम रखते हो वैसे अपनी पत्नी से प्रेम रखो, क्योंकि कोई अपने आप को कष्ट नहीं देता है ना, तो पत्नी को कष्ट क्यों देते हो? अपने आप को जब नहीं देते तो पत्नी को क्यों देते हो? इफिसियों में ऐसा लिखा है। आगे, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। बच्चों के लिए भी कमांड है, एक परिवार कैसा होना चाहिए वो बाइबल में प्रॉपर कमांड लिखा हुआ है। बच्चों को बोला गया है कि अपने माँ बाप का कहना मानो, क्योंकि इस धरती पे माँ बाप ही है जो तुम्हारी तरक्की से सबसे ज्यादा खुश होते हैं, जो तुम्हारी उन्नति से सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं। एक तो चर्च का पास्टर, क्योंकि पास्टर का भी दिल पिता के ही जैसा होता है। जब किसी को तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो पास्टर रात दिन रात 1-1 बजे तक उनको मैसेज करता, प्रार्थना करता है, उन्नत अभी कैसी तबियत, अभी कैसे क्या, वो दिल उसके पास है और वही माँ बाप के पास है। दुनिया के दूसरे लोग तुम्हें तरक्की से जिनेंगे, लेकिन तुम्हारा पास्टर या तुम्हारे माता पिता, वो कभी, उनको बड़ी खुशी होती है जब किसी के अंदर भी नई गाड़ी खरीदी, मुझे बड़ी खुशी है। मैं बाहर गाड़ी खरीदे के मैंने कहा कंग्रेचुलेशन, बोला आपको कैसे पता है? मुझे पता है। अच्छा लगता है जब हमारे लोग विश्वास में बढ़ते हैं, डर के आत्मा से छूटते हैं, चंगाई पाते हैं, भरपूरी में बढ़ते हैं, उनके घरों में खुशियाँ, मेल मिलाप रहता है। जब पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप होता है देख के कितना मन आनंदित होता है, क्योंकि यही तो हमारी प्रार्थना है कि हमारी कलीसिया के लिए फूले फले आशीषों को बढ़े। कौन सा ऐसा माँ बाप होगा जो बच्चों की आशीषों को घटते हुए देख के खुश होगा, या कौन सा ऐसा पास्टर होगा जो कलीसिया के लोगों की तकलीफों को देख के खुश होगा? कोई, मुझे नहीं लगता इस धरती पे एक भी ऐसा पास्टर होगा, कोई नहीं खुश होगा, क्योंकि हमारा इशू भी वही मन रखता है कि बढ़पूरी में बढ़े। आगे माँ बाप के लिए भी कमांड है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। ये कई बार जब बच्चे कहना नहीं सुनते हैं, बच्चे बड़े अंदर अंदर खुश हो रहे होंगे कि जब बच्चे कहना नहीं सुनते हैं, माँ बाप बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, तो भैया इतनी बार इग्नोरेंस ही करते क्यों हो कि बेचारे माँ बाप को डंडा चलाना पड़ जाता है? इतनी बार कहना नहीं मानते हो, क्यों नहीं मानते हो कि डंडे चल जाते हैं? तो आप वचन पकड़ के अगर बोलो कि नहीं नहीं कहा है कि प्रताड़ित बंद करो बच्चों को, उससे पहले ये तो कहा है कि कहना मानो, कहना 50 बार नहीं मान रहे इसलिए तो डंडे चला रहे पिताजी, इसलिए तो माँ थप्पड़ मार रही है, फिर कहते हमको मार रहे हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुमने ऊपर वाला कमांड नहीं फॉलो किया है। और कई जगह ऐसा होता है कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, वहां पे सिर्फ एक पेरेंट्स को लत लग जाती है, वो जब कमा के देने लगते हैं ठीक है हमें अपने परिवार के लिए अपने फर्ज पूरे करने हैं, पर माँ बाप फिर कहीं कहीं ऐसा देखा, सब जगह नहीं होता, पर माँ बाप ऐसे स्वार्थी हो जाते हैं कि वो फिर ये नहीं पूछते कि बच्चा परदेश में कैसे रह रहा है, उनको बस उनसे लेने की आदत हो जाती है, वो लेते ही रहते हैं लेते ही रहते हैं, तो वो भी गलत है। आप माँ बाप होने के नाते कम से कम आप उसकी सिचुएशन, आप उसकी परेशानियों को नहीं समझोगे तो कौन समझोगे? आमीन। ये कमांड है। दूसरा, पहला पत्रस उसका 3rd chapter खोलिए, 1 Peter 3rd chapter verse 1, 2 and 7। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति का अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भाई सहित पवित्र चाल चलन को देख कर के बिना वचन के अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। अभी यहाँ पे वचन साफ साफ कह रहा है कि भाई आप जब जेंटाइल थे, आपकी शादी हो गई, अब आपका उद्धार हो गया, पत्नियों के लिए कमांड है कि अब तुम्हारा उद्धार हो गया है, अब तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि जो वचन को नहीं मानता है, जो यीशु को नहीं मानता है, वो तुम्हारे चाल चलन को देख के मसीह में आ जाए। लेकिन होता क्या है, लेडीज के अंदर अपने आप को बड़ा दिखाने की ऐसी तीव्र इच्छा आ जाती है कि वो अपनी धार्मिकता स्थापित करने लगती है। पास्टर कह रहा है सिस्टर टाइम से चर्च आ जाओ, वो तो नहीं हो रहा है, यह मीटिंग भाग रहा है, वो मीटिंग भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा, और पास्टर कह रहा है मत जाओ सिस्टर मीटिंग में, झगड़े होंगे घर में, होगा क्या?
होती है और छिड़ जाएगा, वो यीशु से भी छिड़ जाएगा, वो तुमसे भी छिड़ जाएगा। अगर चार साल के अंदर उद्धार पा सकता था तो वो 14 साल तक उद्धार नहीं पाएगा। अपनी धार्मिकता स्थापित करने लगते हैं। जब पास्टर बोलेगा सिस्टर टाइम से चर्च तो उसमें सब आ रहे हैं, अरे आपको पता नहीं मेरे पति कैसा है, वो चर्च नहीं आने देते, अरे ऐसा वैसा। तो जब मीटिंग में जाके तुम झगड़े करवा रहे हो घर में, वो क्या है? अपनी धार्मिकता स्थापित करना। मेरे कर्नाटक वाले पास्टर मुझे हमेशा बोलते थे कि आपको प्रभु ने बड़ी ज्यादा समझदारी का आत्मा दिया था कि एक आत्मा जीतना कैसे। आज आपको सामने पास्टर दिखते हैं, आपको सब कुछ बड़ा आसान लगता है, कह रहे इनका तो यूं ही उद्धार नहीं हुआ है, सालों साल बुद्धिमानी से चलना पड़ेगा। सही बात है, उस व्यक्ति के अंदर से सोचो जिसका उद्धार नहीं है। तुम उसको चढ़ाने वाले काम कर रही हो, अपनी धार्मिकता स्थापित कर रही हो। वो मसीह को तो तुम्हारे अंदर देख ही नहीं रहा है, वो तो ये देख रहा है कि तुम अपनी धार्मिकता स्थापित कर रही हो। तुम उसको उल्टा खिजा रही हो, चढ़ा रही हो। वचन तो कह रहा है ऐसा चाल चलन रखो कि तुम्हारा पति अपने आप देख के खुद ही खींचा चला आए यीशु में। एक आत्मा जीतने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत संयम से और बुद्धिमानी से काम लेना पड़ता है, और बहुत ईमानदारी से साथ के साथ चलना भी पड़ता है, क्योंकि आपके साथ रहने वाले ये देख रहे होते हैं कि ये वचन में कितनी मिलावट करके जीती है, या पति है तो पत्नी ये देख रही होती है कि ये वचन में कितनी मिलावट करता है, कितनी मिलावट करके तुम जी रहे हो। वो लोग इस चीज को बकायदा देखते हैं, बाइबल नहीं छूते, पर वो तुमको बराबर 24/7 वो देखते रहते हैं तुमको। मुझे नहीं मालूम था, कर्नाटक में एक बार किसी पास्टर से, कोई मराठी पास्टर से, उनसे उनके घर में बैठकर हम लोग बात कर रहे थे, तो पास्टर उनको बोल रहे थे कि पास्टर अंकल मैं मेरी वाइफ को देखता था, मैं उसके डेली एक्टिविटीज और उसके चाल चलन को देखता था और उससे मैंने जाना कि यीशु कैसा है। तो मुझे नहीं पता था पर वो देख रहे थे। एक अन्य जाति से आए हुए व्यक्ति का अगर आत्मा जीतना है तुम्हें तो अपनी धार्मिकता मत स्थापित करो। वचन जो कह रहा है वैसे आगे इसका 7वां वचन पढ़िए। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। सोचो पतियों के लिए तो इतनी बड़ी बात बोल दी गई है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी अगर तुम अपनी पत्नी का आदर नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे। इतनी बड़ी बात लिखी है वचन में कि तुम उद्धार तुम्हारा हुआ है, उस पत्नी का उद्धार नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी अगर तुम उस पत्नी के साथ आदर पूर्वक। क्योंकि जनरली हमारे इंडियन कल्चर की प्रॉब्लम ये है कि हमको घरों में स्त्रियों का आदर करना सिखाया नहीं जाता। कई बार चर्च में लेडीज पास्टर को यही फेस करना पड़ता है ना, क्योंकि उसी बैकग्राउंड से उठ के लोग आते हैं, वो लेडी पास्टर से भी बहस करने लगते हैं, उसको भी 3-5 करने लगते हैं, वो भी सम्मान पूर्वक बात, क्यों? क्योंकि घर से नहीं सीखा था। तो वही चीज वो चर्च में लेके आ जाते हैं। अभी तुम नए मनुष्य बन गए हो, अब तुम अपने पिछले चाल चलन को सुधारो, अब तुम अपने कमांड जो बाइबल में लिखे उनको फॉलो करो। हमें क्या आदत होती है? सिंपल, जैसे मैंने अभी उनसे पूछा भैया आपकी नई गाड़ी है मुबारक हो, हेलमेट लिया क्या? अभी उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल लगा, इतनी दूरी पर बिना हेलमेट के जाए तो चलेगा? विच मीन्स बाइबल में भी आप यही करते हो, इतना सा कमांड करो ना तो चलेगा? चलेगा प्रभु भी तुमको इतनी सी थोड़ी सी आशीष रोक ले कि थोड़े से फटके मार दे चलेगा? थोड़ा सा एक्सीडेंट कर दे चलेगा? थोड़ा सा बीमार कर दे चलेगा? शैतान को हाथ लगाने से तुम्हारे शरीर को चलेगा? हम हेलमेट, मैंने मसीहों को देखा है, वो भाई की बात नहीं कर, मैंने मेरी बातें होती मसीहों से, एक भाई थे बहुत जनक से मसीहा वो, तो और उनको पास्टर सुनाया था कि बेटा हेलमेट लगा, बोले नहीं हो नहीं सकता पास्टर जी, हो नहीं सकता, हेलमेट कैसे लगा? जो नहीं लगाते हैं अब से लगाओ, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि जब सरकार फाइन लगाए तभी आप हेलमेट लगाओ, वो आपके जीवन की सुरक्षा के लिए। प्रभु से आशीषें चाहिए, छोटे से छोटा कमांड फॉलो करोगे ना, आप खुद देखना आपके जीवन में आशीषें बढ़ गए, आशीषें आपका पीछा करेंगे, देखना। सिर्फ आप तो कहोगे अरे चर्च को सिखाया गया था हेलमेट लगाना, मैंने तो सिर्फ इतना फॉलो किया, ये आशीष कैसे आ गया? छोटे से छोटा कमांड अगर फॉलो, ये नहीं कि गली तक जा रहे तो हेलमेट ना लगाए। वचन कहता है परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के माने जाने से खुश होता है। शमूएल ने शाऊल को यही समझाया था कि पाप बलि अन्न बलि चढ़ाने से बढ़िया है कि तुम आज्ञा मानो। ईडन गार्डन में आज्ञा नहीं मानी गई थी, वो शाप पूरी मनुष्य जाति पे आ रहा था। जब यहाँ ये कह रहा है पुरुषों के लिए भी कि तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम्हारी पत्नी का उद्धार नहीं है, तुम्हारी पत्नी का उद्धार जब होगा जब वो देखेगी कि अब इसने रिश्तेदारों के साथ बैठ के पंचायत बंद कर दी, अब ये प्रभु के साथ समय बिता रहा है, अब ये फालतू झगड़े नहीं करता, अब ये व्यभिचार की आत्मा से छूट चुका है, अब ये पवित्र जीवन जी रहा है। उस पत्नी को आपको कहने की जरूरत, वो टीवी लगा के देख रही है उसी समय वहां बैठ के खाना मत खाने लगो और बीवी को दोष दे दो, ये चला रही थी, मैं थोड़ी देख रहा था, बिग बॉस देखती है, मैं तो खाना ही खा रही, वहीं बैठ के मैं खाना खा रही हूँ, बाहर सीढ़ियों में निकल जाओ और बैठ के खा लो ना खाना, तुमको मन लगता है? किसको बेवकूफ बना?
बाइबल का समय नहीं खा रहा है तो, पर बिग बॉस वो सीरियल नहीं है जिसको देखा जाए बड़े मजे से, क्योंकि उसमें क्लेश का, व्यभिचार का, झगड़े का स्पिरिट होता है। उसका सिंबलिज्म वन आई है, वो इल्यूमिनाटी के लोगों का है, ये चीज साफ पता होनी चाहिए आपको। अगर देखते हैं नए हैं, नहीं पता था, बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे तुम्हें क्या मिला, क्लेश, झगड़ा, व्यभिचार। वो स्पिरिट टीवी से स्पिरिट ट्रांसफर होती है, आपको पता है ये चीजें होती हैं। इसलिए पास्टर कहते हैं कि बहुत ज्यादा वो जो भूत प्रेत और डीमन निकाले जा रहे हैं वो वाले वीडियोस मत देखा करो, क्योंकि तुम वचन देते थे पक्के नहीं हो, मत देखो, वचन देखो, वचन पढ़ो, सबसे ज्यादा वचन पढ़ो। मेन चीज तो वचन यही सिखा रहा है, पढ़ोगे तो कमांड फॉलो करना सीखोगे। दूसरी चीज, हमारे एक पति पत्नी, अगर दोनों का उदाहरण है तो पति पत्नी की लाइफ में चर्च की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि शैतान का यही खेल है कि चर्च की इंपॉर्टेंस बिल्कुल कम कर दे। आप अपनी धार्मिकता स्थापित करके वचन पे चल नहीं सकते। अगर हम अपनी धार्मिकता स्थापित करके चंगाई पा सकते हैं तो हमें यीशु की जरूरत ही क्या है। Yes. कई बार लोग ये नहीं समझ पाते, वो सोचते हैं कि नहीं नहीं प्रार्थना करें और हो जाए। कई बार हमें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। डीजे सिनाकरन इतने महान प्रभु के दास, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, क्या वो पापी थे? परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जॉयस मेयर इतनी महान प्रभु की बेटी, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उसको एक ब्रेस्ट ऑपरेट करके निकलवाना पड़ा, क्या वो पापी थी? चंगाई देने वाला परमेश्वर है। बीमारी मैं हमेशा बोलती हूँ अपने लोगों को, बीमारी को पाल के मत रखो। जिस दिन पहले दिन बीमारी आई है उसको ठान लो कि देख ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुझे मैं टिकने तो नहीं दूंगी, तुझे मैं टिकने तो नहीं दूंगा इस शरीर में। इसके लिए जो डॉक्टर कमांड दे रहा है मैं वो भी फॉलो करूंगा, और जो वचन से बताया जा रहा है मैं वो भी फॉलो करूंगा, क्योंकि बाइबल में कहीं भी ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं किया गया है। मैकेनिकल फेथ मत रखो। अंगूनरला की, अपने शहर से लोग गए थे अंगूनरला की मिनिस्ट्री में, नहीं हुआ बिना ऑपरेशन के उनका हल, वापस आके ऑपरेशन करवाया उन्होंने। चंगाई देने वाले प्रभु है। देखो किसी प्रभु के दास का इल्जाम मत लगाओ, अरे टीचर से नाम मिनिस्ट्री गए थे, हील नहीं हुए। एक बता रहे थे, अरे बैंगलोर में मेरी ही ना थे, वहां पर वो मेरे पड़ोस वाली गई थी, वो तो हील हो गए थे। मैंने कहा उसको बेनीन दोषी कैसे हो गए, बेनीन करके दोष। मैंने कहा चंगाई देने वाले बेनीन नहीं, वो परमेश्वर उसकी मर्जी थी, उसने 10 को दी, 1 को नहीं दी, ठीक है मैं चाहता हूँ प्रॉपर मेडिकल के प्रोसेस से होके गुजरे, तो गुजरने दो ना, चंगाई तब भी इशू भी देगा। कॉमन से लोग कहते थे आपकी मीटिंग में आते लोग क्यों रह जाते हैं, इतने लोग क्यों रह जाते हैं जो हील नहीं होते, वो कहते थे भाई मुझे नहीं पता, मैं जब अपने डैडी के पास जाऊंगी तब पूछूंगी पिता से। चंगाई देने वाला इशू है किसी को मेडिकल प्रोसेस से होके, 38 साल के बीमार को उसने एक झटके में कह दिया उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, और उसी जगह वो जो बेचारा आंख का अंधा था उसको पूरा मेडिकल प्रोसेस, पूरी सर्जरी करी, मिट्टी को थूक से साना, फिर उसकी आंख पे लगाया, फिर उससे कहा जाओ शीलो में धोके आओ। ये क्या है, मेडिकल सर्जरी है ना, आई सर्जरी तो की इशू में, विच मीन्स इशू ये बता रहा था कि हर सूरत में चंगाई मैं ही देता हूँ, चाहे ऑपरेशन होके दो चाहे जैसे दो। अगर आपने इशू के पीछे चलने का फैसला ले लिया है तो आपके जीवन में चर्च की इंपॉर्टेंस, परमेश्वर के साथ समय बिताने की इंपॉर्टेंस, बाइबल के वचनों पर चलने की इंपॉर्टेंस, बाइबल रीडिंग की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। सेवा आसान चीज नहीं है, बता रही हूँ। जब जिस दिन इस चर्च का पहला क्रिसमस था उससे पहले पास्टर की इतनी तबीयत खराब हुई थी, उनको फिशर हो गया, हमें पता भी नहीं चला, और वो अंदर ही अंदर इतना पक गया था। जब हम 22 तारीख को डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर कह रहा है 22 दिसंबर को हमारे चर्च का पहला क्रिसमस, और डॉक्टर कह रहा है अभी एडमिट हो जाओ। हमने कहा ये पास्टर है, ये अगर क्रिसमस वाले दिन ऑपरेट होके बेड पे रहेंगे तो चर्च में क्रिसमस कैसे होगा पास्टर के बिना, मैं अकेले कैसे क्या क्या संभालूंगी। दिव्य भी उस वक्त छोटा था, 2019 में बहुत छोटा था, बच्चा था, इतना समझदार नहीं था। डॉक्टर ने कहा कब है आपका क्रिसमस, हमने कहा 25 को, बोले 26 को वापस आ जाओ, लेट पट करो, तुरंत ऑपरेट करो। हम तो सेवा में आए थे, एकदम से शैतान का वार कैसे आ गया शरीर में। अगर हम सवाल करेंगे उस परमेश्वर से, हमने कहा प्रभु चाहे ऑपरेट करके दे चाहे जैसे दे, चंगाई देने वाला तू है, सेवा में कदम आपने बढ़वाया है, पीछे चले गए। सेवकाई करना आसान नहीं है, हर दिन मरना पड़ता है। 25 को यहाँ क्रिसमस, और चर्च के लोगों को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है पास्टर के साथ। वचन मैंने दिया, पास्टर बैठे बैठे ऐसे हाथ से वीडियो बना रहे थे, तो हमारे पास सामान भी नहीं थे, इतने पैसे भी नहीं होते थे, हर चीज धीरे धीरे आती है, नहीं तो हाथ से पकड़ के पास्टर ने पूरा वीडियो बनाया। उसी दशा में बैठे हुए बैठने वाले पोर्शन पे ही ऑपरेशन होना था, 26 को जाके ऑपरेट हुआ, 27-28 हॉस्पिटल में रहे, 28 की शाम को डिस्चार्ज हुआ, 29-30-31 घर में थे, 1 को फिर चर्च में मौजूद थे, 12 तारीख की सर्विस लेने को। सेवा आसान नहीं है, अपने आप को मारना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है प्रभु से बिना सवाल के कि तूने ये क्यों किया प्रभु, हम तो आपकी सेवा में आए थे, आपने ऐसा क्यों किया। वो परमेश्वर वो शक्ति भी देता है सहने की, वो उसमें से गुजरने के लिए भी हिम्मत देता है, और वो हमको जयवंत करता है। जयवंत करता है, उस पर
परमेश्वर से वार करके बहस करके आप कुछ नहीं हासिल करोगे। और शैतान चाहता है यही कि आप बहस करो अपने परमेश्वर से, क्यों ये हो गया, क्यों वो हो गया। कितनी बार बोला जाता है कि जब उद्धार हो गया है बपतिस्मा लेने में देर मत करो, क्योंकि ये जोर जबरदस्ती का सौदा है। और बपतिस्मा लेना स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है, बपतिस्मा लेने के बाद वचन पर चलना पड़ता है। तो ये ना सोचने कि बपतिस्मा लेके जैसे चाहे जिएंगे स्वर्ग जाएंगे, नहीं, बपतिस्मा लेना आज्ञा पालन है, इसलिए लेना ताकि प्रभु कहे शाबाश। और दूसरी चीज सील लग जाती है, एक इंगेजमेंट है, जब हमारी इंगेजमेंट हो जाती है तब कोई बुरी नजर हम पे नहीं डाल सकता, क्योंकि अंगूठी है बपतिस्मा, वो सील है, वो अंगूठी है, इंगेजमेंट की रिंग है। शैतान जितनी मुस्तैदी से बीमारी के तीर छोड़ता था, अब तुम देखना उसका एंट्री प्रोहिबिटेड हो जाएगी। आमेन, ये लिख लो, एंट्री प्रोहिबिटेड हो जाएगी उसकी हर बुरी चाल की, हर बुरे षड्यंत्र की। इसलिए लेना है बपतिस्मा ताकि हम कमांड फॉलो करें, चर्च को वैल्यू दो। हमारा जब भी ट्रांसफर होता था किसी भी नए स्टेट में, हमारे तो सीधे सीधे स्टेट बदल जाते थे, आज कर्नाटक में है तो कल आंध्र में है तो परसों राजस्थान में है तो महाराष्ट्र में, हमारे स्टेट बदलते थे। हम सबसे पहले बच्चे के स्कूल से भी पहले हम चर्च ढूंढते थे, सब्जी वालों के पास जा जाकर पूछते थे, किराना शॉप पर पूछते थे, मेडिकल शॉप पर पूछते थे, जा जाकर पूछते थे भैया कोई चर्च है यहाँ, कोई चर्च बता दो हमको, यहाँ कोई चर्च बता दो। कई बार उनको पता नहीं था, कोई हमें कैथलिक चर्च कोई ऑटो वाला ले जाता था, हम कहते थे ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, वो इश्यू वाली जो होती है। फिर कई बार किसी ऐसे चर्च चले गए जहाँ अन्य भाषा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के पूरे प्रॉपर टीचिंग को नहीं मानते, फिर हम परेशान हो जाते हैं, फिर पास्टर के पास्टर जी ऐसा नहीं हमको ऐसी वाली चाहिए, तो पास्टर बेचारे अच्छा तो खुद ही बता देंगे कि नहीं नहीं अच्छा आपको ऐसी चाहिए, ठीक है आप वहाँ जाओ हम वहाँ कह रहे। तो सबसे पहले एक वचन पे आधारित आत्मा पूर्वक चर्च की इंपॉर्टेंस को समझना है। जो परिवार इस इंपॉर्टेंस को समझ गया उसको विजेता बनने से और जय के उत्सव में चलने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज, अभी वचन में एक चीज है कि झूठ का पिता शैतान है। अभी जब हम हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं तो पति पत्नी के रिश्ते में झूठ नहीं होना चाहिए, पर हमारे देश में, अब दूसरे देशों का तो भाई पता नहीं, हमारे देश में जो इशू को नहीं जानते हैं, इशू को जानने वाले भी मैंने देखा झूठ बोल के शादियां करते हैं, जो नहीं जानते हैं वो तो बड़ी बड़ी हाँकते हैं और झूठ बोल बोल के शादियां होती है। उससे क्या होता है, एक थी उधार पाई हुई लड़की, उसको अपने परिवार से अकेली उधार पाई थी, उसकी जबरदस्ती शादी तय की गई और हम लोग बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि नहीं हो नहीं हो, पर हो गया जो भी, अभी वो इतने कष्ट में है इस समय, पर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसको जयवंत करेगा। तो एक बार मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी, उसको बेचारी को फोन छीन लिया गया, सब छीन लिया गया, किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है, तो मैं सोच रही थी प्रभु इसको इतनी तकलीफ आई क्यों, और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि देखो इस शादी में शुरुआत से झूठ बोला गया था और शैतान ने अपना कब्जा ले लिया था। क्या था, उसको थोड़ी और भी फिजिकल तकलीफें थी, मेन तकलीफें थी उसको चश्मा लगा था नंबर का, उसकी बिना चश्मे के आंख दर्द होती थी, सिर दर्द होता था। अब क्या बेटियां इतनी भार हो जाती है माँ बाप पे कि वो जब लेके गए दिखाने के लिए और जब शादी का प्रोसेस था उसको बोला कॉन्टेक्ट लेंस लगा लो, चश्मा बिल्कुल उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम चश्मा लगाती। पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट लड़की, माँ बाप का प्रेशर, वो बेचारी बोल नहीं पाती थी, दबो थी। अब वो वहां जाके मुझे फोन करे, मैम मेरी आंखें दर्द हो रही है, कॉन्टेक्ट लेंस सूट नहीं कर रहा है, मेरी लाल हो गई आंखें, ये घर वाले समझ ही नहीं रहे, नहीं नहीं ऐसे ही शादी करके उसको भेज दिया, दिल्ली चली गई बेचारी, वहां उसका सिर दर्द, अब वहां से फोन करे मैम मेरा सिर दर्द हो रहा है, इनको तो पता ही नहीं कि मुझे चश्मा रहा, मैं तो चश्मा लेके भी गए, कॉन्टेक्ट लेंस है, आंखें मेरी लाल हो जाती है, जब भी होने क्या करूँ। मैंने कहा तुम अपने पति को, मैंने कहा हम प्रार्थना करते हैं अपने पति को किसी तरह से पटाओ कि भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा करो क्यों ना एक बार आई डॉक्टर को दिखा दे, आंखों वाले के लिए चलो शायद उसका दिल पसीज जाए, प्रभु लेके जाए, इतना कठोर है तो भी। और परमेश्वर ने उस वक्त उस प्रार्थना को सुना था, वो लेके गया तो डॉक्टर ने, मैंने कहा जब डॉक्टर ये कहे कि तुमको तो चश्मा लगना चाहिए है नहीं क्या, तो चुप रहना बिल्कुल, कई बार हमें बुद्धिमानी से काम लेना पड़ता है, मैंने कहा चुप रहना भी है। डॉक्टर ने बोला तुमको तो चश्मा है, तो उसने मैंने कहा जैसे को कहे तो बोला बना दीजिए, उस तरह बना दो, इस तरीके से बेचारे का वापस से चश्मा बना। तो क्या हुआ, तो शादी में झूठ को एंट्री मिल गई, और जहाँ झूठ का पिता शैतान है, जहाँ झूठ झूठ बोल के कभी शादी नहीं करनी चाहिए। मेरी शादी में दो लोग थे जो पूरे मन से सच बोल रहे थे, बाकी सब 80-90-100-150 की स्पीड से फेंक रहे थे, फेंकने की आदत होती है इनको, बड़े बड़े फेंकते हैं, अरे ये अरे वो। मेरी शादी में सिर्फ दो लोग सच बोल रहे थे, लड़की की साइड से लड़की सच बोल रही थी और लड़के की साइड से लड़के का पिता सच बोल रहा था, मेरे ससुर उधर और मैं इधर। मैं क्या सच बोल रही थी, ईशु को नहीं छोड़ूंगी, चाहे शादी करो चाहे ना करो, ईशु को नहीं छोड़ूंगी, मैं ईशु को प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करने के लिए भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे ये सच बताना ही था, मैं झूठ बोल के नहीं। मैंने कहा बाद में मत कहना ब्राह्मण रैपर में क्रिश्चियन लड़की मिल गई, बाद में मत बोलना मैं नहीं छोड़ूंगी ईशु को। उधर मेरे ससुर जी सच बोल रहे थे, वो कह रहे थे मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं आपके पैसों से पूरी शादी निपटाऊंगा, सच बोल रहे थे। तो
तरीका है उनका अपना मानने का, पर वो सच बोल रहे थे। अच्छा है कि सच बोल रहे थे, सिर्फ ये दो लोग सच बोल रहे थे, और इस वजह से इस शादी में गड़बड़ी का अवसर शैतान को नहीं मिला। बाकी जो बोल रहे थे, जो मेन थे, क्योंकि उधर डिसीजन मेकर वो थे, इधर मेरी मम्मी के साइड से मैं थी। मैंने कहा नहीं, अगर इसने मुझे मना किया ईशु के साथ मेरा रिश्ते में, मैं नहीं करती इससे शादी। इसलिए उस शादी में ईशु को पूरा पूरा अधिकार मिला, शैतान का दाव नहीं चला। तो कैसे कैसे खेल खेलता है शादियों में झूठ और छल कपट, और उन्हीं शादियों में शैतान को पूरा मौका मिल जाता है, क्योंकि हमने झूठ को पूरी पूरी वैल्यू दी होती है उन रिश्तों में, उनकी शुरुआत में, उनके नींव बनने में, जो कि बहुत गलत है। और ये कौन सा आत्मा होता है? ये वो स्पिरिट होता है जो परमेश्वर यहोवा का दिखावा करता है पर परमेश्वर से चलता है। ये इजेबेल का स्पिरिट होता है। कैसे? पहला राजा निकालिए, उसका 21 चैप्टर 11 से 14 तक पढ़िए। इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तो नीच जन आकर के नाबोत के सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध साक्षी दी। नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर के उस पर पथराव किया और वह मर गया। ये जो इजेबेल का स्पिरिट है, ये हमेशा दिखाता तो ये है कि वो बहुत यीशु का सम्मान करता है, यहोवा का सम्मान करता है, यहोवा के नाम से सारा आडंबर करता है, लेकिन एक्चुअली वो दिल के अंदर यहोवा की खिलाफत करता है, वो यहोवा से चिढ़ता है, वो चाहता ये है कि लोग उसके बहकावे में आके ऐसे काम कर दें कि उनको वो गलत भी ना लगे और उस स्पिरिट का उस पर कब्जा हो जाए, उस मैटर में उसका कब्जा हो जाए। इजेबेल यही छल छलती थी, वो यज्ञ यहोवा के नाम से करवा के फिर उस सही धर्मी व्यक्ति को फंसाना चाहती थी, उसके झूठे टुच्छे लोग आके झूठी गवाही दे के नाबोत को पत्थरवा करके गए। यही आत्मा आज भी काम करता है, पुरुषों के अंदर भी, स्त्रियों के अंदर भी, जो दिखावा तो करता है कि हाँ हम यीशु के हैं। यहूदा इस्करियोती का भी यही आत्मा है, लालच का, जो रात दिन दिखाता है कि हाँ हम यीशु के साथ रहते हैं, लेकिन यीशु के साथ रह के एक थाली में खा के पी के भी उसका मन यीशु से लगा नहीं। ये दो स्पिरिट आज के समय में बड़ा काम कर रहे हैं। अंतिम समय के लिए वचन में लिखा है कि हो सके कि छुए लोगों को भी भरमा दे, वचन में लिखा है। और कैसे भरमा दे? इन्हें स्पिरिट्स के जरिए। वो कैसे काम करेगा? इन्हें दुष्ट आत्माओं के जरिए, जो दिखावे का आत्मा है, ये करवाता है दिखावा। इजेबेल का स्पिरिट सामना साम मसीह में चल रहे हैं, पर एक्चुअली देखो तो हम दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वफादारी तो आई नहीं ना अभी तक। वफादारी कहाँ? अगर वफादार होते तो चाहे रिश्तेदार रहे, चाहे जाए, चाहे लड़के की शादी हो, चाहे ना हो, मैं तो डंके की चोट पे यीशु का नाम लूंगी। मैं तो डंके की चोट पे यीशु का नाम लूंगी, क्योंकि उस लड़की को सिर्फ बिल्डिंग मैंने बता रखा कि बेटा हम तो यीशु को मान ले। ये गद्दारी जो इजेबेल का स्पिरिट दिखावा करके करवा देता है, मसीहियों से करवा देता है, सालों से बपतिस्मा पाए हुए लोगों से करवा देता है, हमें उससे बचना है। ये उसकी साजिश है, ये उसकी चाल है, और जब तुम ये कर दोगे, तब जकर्याह में लिखा है कि यहोशू महायाजक के लिए शैतान यहोवा के सामने दोष लगा रहा था। पहले गद्दारी करवाएगा, फिर दोष लगाएगा। ऐसे ही कुछ गलतियां हम कर लेते हैं अपनी सेहत के साथ, करते भी नहीं करते। कितने लोग जानते हैं हम अपनी सेहत के साथ गलती करते हैं? जब बोला जाता है कि भैया ये मत खाना, वो मत करना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, जंक फूड मत खाना, मसालेदार मत खाना, मीठा मत खाना, फास्टिंग के बारे में लोगों की इतनी गलत फहमियां हैं कि लोग बता रहे हैं कि वो खाना नहीं खाते थे, वो उपवास रखते थे। तो मैंने कहा उपवास रख के काम पे क्यों चले जाते थे? कहाँ लिखा है ये? तो मैंने कहा हिंदुओं वाला उपवास हो गया ना, कि उपवास रखा और काम पे चले गए। हमारी बाइबल तो कहती थी अगर तुम 5 घंटे उपवास रखते हो तो 5 घंटे तुम बाइबल के साथ कमरा बंद करके बैठोगे, दैट इज योर फास्टिंग। काम पे क्यों चले गए? जब काम से आ जाए तो उसके बाद उपवास रखो, या जिस दिन छुट्टी है उस दिन उपवास रखो। तुमने क्या किया? तुमने केवल मूर्ति बदल दी है। पहले तुम उस मूर्ति में घंटा बजा के फिर काम पे चले जाते थे, अब तुम इस मूर्ति के सामने उपवास रख के काम पे चले जाते हो। थोड़ी सी बाइबल पढ़ ली, ये फास्टिंग नहीं है। सिर्फ स्विमिंग मैं इस कलीसिया में पिछले 6 सालों से बताती आ रही हूँ, पिछले पुराने मैसेज यूट्यूब पे उठा के देख लीजिएगा कि फास्टिंग क्या है। तुम 5 घंटे भी नहीं रह सकते, 4 ही घंटे रह सकते हो तो 4 ही घंटे रखो, 4 घंटे लेकिन वचन में बाइबल में बिताओ। लेडीज किचन का काम खत्म करके किचन बंद कर दो, उसके बाद बैठ जाओ प्रार्थना में। बच्चों से बोल दो अपना खाना खुद ही परस लो, ले लो, पति को बोल दो तुम प्रार्थना में बैठो, वो उपवास होता है। पास्टर ऑफिस जाते हैं तो इसलिए जिस दिन या तो सैटरडे का ऑफ होता है उस दिन फास्टिंग रखते हैं, तो सुबह बैठ जाते हैं 11 बजे से 5 बजे तक बैठे रहते हैं, उस दिन उपवास रखते हैं, नहीं तो फिर फ्राइडे की शाम को उपवास रखते हैं, ऑफिस से आने के बाद उपवास रखते हैं। क्यों? क्योंकि तब वो बाइबल लेके बैठेंगे ना। तुम पेट से भूखे लगे काम पे जा रहे हो, ये
सिस्टम नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर कर लो। अगर अभी तक सही नहीं सीखा अब सही सीख। 4 घंटे रखो, 5 घंटे रखो, 6 घंटे रखो, डजंट मैटर, जितना रख सकते हो उतनी देर तुम्हें बैठना यीशु के साथ है। दुनिया से कट के प्रभु के साथ बैठना ये उपवास है, सच्चा मसीही उपवास। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, शायद बहुत जगह नहीं सिखाया जाता, ये ट्रेडिशन नहीं है। हमारा यीशु ट्रेडिशनल परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा। तो ट्रेडिशन मत फॉलो करो, रियल लाइफ टाइम अपना समय बिताओ यीशु के साथ। ऐसे ही जब लोगों को समझाया जाता है कि भाई फालतू में भूखे मत रहो, या जंक फूड मत खाओ, या ये मत खाओ, या वो मत खाओ, वो ना डॉक्टर की सुनते हैं, ना समझदार व्यक्ति की सुनते हैं, और पास्टर की तो कतई नहीं सुनते। जब हाँ, जब पास्टर कहता वॉकिंग कर लो, ब्रदर आठ बजे खाना खा लो, अगर आप बिजनेस में हो, आपकी दुकान है, मैंने देखा है जेंटाइल ज्यादा समझदार है। मारवाड़ियों को देखो, बहुत से मारवाड़ी हैदराबाद में मारवाड़ी अंकल तो सूरज जलने से पहले खाना खा रहे हैं। जेंटाइल को समझ आ गई है कोई बीमारी कोई तकलीफ आई उनके अंदर, उनको डॉक्टर ने डांटा, उनको समझ आ गई है। हम मसीह कब समझेंगे? आप मिनिस्ट्री करने में तो बिजी हो, वेरी गुड, आप परमेश्वर की सेवा करने में बिजी हो, वेरी गुड, पर आपके खाने पीने का टाइम नहीं, आपके एक्सरसाइज का टाइम नहीं, आपकी वॉकिंग का टाइम। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसका ध्यान रखोगे तो यीशु के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो पाओगे, अपने परिवार के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो पाओगे। मैं सुख भाई को बता रही थी हेलमेट की बात पे, मैंने कहा अगर मेरे पापा ने हेलमेट लगाया होता तो मेरा बचपन इतने कष्टों में ना बीतता। एक जेंटाइल व्यक्ति था, उसको हेलमेट की वैल्यू नहीं पता थी सालों पहले 80 के दशक में। लेकिन आज हम मसीहों को भी अगर हेलमेट की वैल्यू नहीं पता है तो लानत है, पीछे रहने वाले हर दिन मरते हैं। जो जाता है वो तो जाता है, जो पीछे रह जाते हैं वो हर दिन मौत मरते हैं। सरकार जब तुम पे जुर्माना लगाए तब तुम कमांड फॉलो करो, जब तुम्हारा शरीर बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है तब तुम कमांड फॉलो करोगे डॉक्टर का। डॉक्टर समझा समझा के था, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, वो यही बोलता है 7:30 से 8 के बीच में तुम्हारा किचन पैकअप हो जाना चाहिए। पर आज का जो सार है वो इतना है, कमांड फॉलो करो और अपनी शादी में झूठ को मौका मत दो। अगर पिछला दिया था उसके लिए माफी मांग लो, आगे की चीजें सुधारो ताकि शैतान को रिश्ते खराब करने का मौका ना मिले। एक आज्ञाकारी विश्वासी परमेश्वर को सैकड़ों रुपए दान देने वाले से ज्यादा पसंद आता है, ज्यादा पसंद आता है, ज्यादा आशीषित होता है। अब तक जो किया अब उन गलतियों से तौबा करो और वचन पे वर्ड बाय वर्ड चलना शुरू करो। आमीन। आमीन। आई विल वर्क ऑन इट। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी, तेरा वचन मिलता है पुराना नियम में पहले चैप्टर से लेके नया नियम के आखिरी चैप्टर तक कि परमेश्वर किसी भी बलिदान से बढ़कर आज्ञा माने जाने से ज्यादा खुश होता है, अपनी बात के माने जाने से ज्यादा खुश होता है, अपने कमांड के फॉलो किए जाने से ज्यादा खुश होता है। प्रभु आपका धन्यवाद है, आप हमें आज ऐसे मन से भर रहे हैं, ऐसे आत्मा से भर रहे हैं कि अब हम कमांड फॉलो करेंगे। अब तक जब हमें पता नहीं था वो गलतियां की या जानबूझकर भी हमने करी, उन गलतियों की हम माफी मांगते हैं। आज से हमको मसीह में नई सृष्टि, अब हम कमांड फॉलो करेंगे, अब हम आपके अच्छे बच्चे बनकर लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट बनकर दुनिया के सामने रहेंगे ताकि दुनिया के लोग ये कहने पाए कि मैंने एक भी सच्चे मसीही विश्वासी को नियम तोड़ते नहीं देखा, कमाल तोड़ते नहीं देखा, नियम का पालन करते हुए पाया है। क्रिश्चियन लोग हमेशा नियम का पालन करते हैं, ये हमेशा अपने प्रभु का कहना मानते हैं। जैसे उस घराने के लिए कहा गया था, यहोवा ने यहेजकेल से कह रहा था कि देखो वो लोग उनके पास तुम शराब ले जाओ, देखो वो पिएंगे, उन्होंने कहा नहीं, हमारे पुरखाओं को ये आदेश दिया गया था और हम आज के दिन तक शराब नहीं पीते, हम हाथ नहीं लगाते। परमेश्वर उस घराने की आशीष हम पर भी आए, कहना मानते कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पीढ़ियां आशीष पाती जाए, कमांड फॉलो करते जाए ताकि सक्सेस, सफलता, अबंडेंस, ब्लेसिंग हमारे पीछे पीछे चले, हमारे रास्तों को भरते जाए आशीषों से। आपके कमांड का माना जाना, आपके वचन का माना जाना हमारे जीवन को संपन्नता से, भरपूर से और अच्छे स्वास्थ्य से और बेहतरी से, खुशियों से भरता जाए। सफलता का आत्मा हमारे जीवनों में डेरा करे परमेश्वर, हमको हम्बल मन दे ताकि हम विनम्र होकर आपका कहना सुने, ताकि हम विनम्र होकर आपकी बातों को मानने वाले बने और दूसरों के लिए एक लिविंग बाइबल बन सके, ताकि हमारे वो परिजन जो हमारे पास जिन सांस रहते हैं उनका उद्धार नहीं है तो हमारे चाल चलन, हमारे बदले नेचर को देख के उनका उद्धार हो जाए। यीशु मसीह के समर्थ चले नाम में सुना मांगते सुना मुलाकात। आमीन।